गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज बायोलॉजी में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले टॉपिक्स अगले लेक्चर को शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। दैट मींस कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उस इवेंट्स का नाम था फर्टिलाइजेशन, और इसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके की चेंजिंग आएगी जिससे उस प्लांट में नए सेक्शंस का फॉर्मेशन होगा। आमतौर पर किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ इस बात को पहचानना एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होते हैं तो फूल मुरझाने लगते हैं, इसके सेपल्स और पेटल्स जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फूल छोटा हो जाता है यानी मुरझा जाता है। हर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, आम तौर पर जनरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फूल के सेपल्स और पेटल्स वो मुरझाते नहीं है, वो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जनरली कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स में, खास के फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में, अगर हम लोग को पहचानना है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ तो जनरली उनके फ्लावर शेड ऑफ कर जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम लोगों को चार बेसिक टॉपिक पढ़ना है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। दूसरा टॉपिक होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स। ये चार बेसिक टॉपिक आएगा, इन बेसिक टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो अब मामला आया एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एम्ब्रियो साइट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है तो फर्टिलाइजेशन के लिए दो मेल गैमेट्स जाते हैं और एक मेल गैमेट एक से फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर से फ्यूज करता है, जो एक से फ्यूज करता है उसका वो काम होता है, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक फर्टिलाइजेशन। उसका काम होता है सीड्स के लिए वर्क करना, और जो पोलर न्यूक्लियस से फॉर्म करता है या पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, इसलिए क्या करता है एक न्यूक्लियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। दैट मींस कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जब कोई एक जब कोई मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से तो उससे हम लोगों का बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनते हैं यानी एक और मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जो जायगोट बनता है उसको नॉर्शिंग करने का काम करते हैं। जब एंडोस्पर्म बन जाते हैं तो एंडोस्पर्म तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा कहलाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, ये तीन प्रकार के न्यूक्लियस जो है, ये तीन प्रकार के एंडोस्पर्म जो है वो बनते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में हमने इस बात को देखा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसमें तीन बेसिक टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर वैसा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म है जो सबसे कॉमन है, दैट मींस ये आमतौर पर सबसे ज्यादा प्लांट्स में होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें जैसे ही फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट का, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और ये न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद एक मल्टी न्यूक्लियेट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये जो यहाँ दिखाया गया है ये फ्यूजन दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इसमें सेंटर में एक स्पेस आ गया और यहाँ कई डिविजन होने के बाद ना जाने कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है बाबू का सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब किसी प्लांट्स ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद साइटोकाइनेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं किसको है, दैट मींस कि वैसी एक्टिविटीज जिसमें न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसके सेल भी डिवाइड हो जाए। तो जब कभी किसी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद अगर उनके साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाते हैं, उनके सेल वॉल भी डिवाइड कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म यानी ऑटोट्रॉफिक होती सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसके बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। जब सेलुलर बन जाए दैट मींस कि पहले हम लोगों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता है उसको हम लोग सेलुलर बोलते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस में अगर दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हेलोवियल। तो हेलोवियल लाइक दिस, अनइक्वल की बात की गई है, एक बड़ा एक छोटा, इसको भी हम लोग अरेंज करके दिखा सकते हैं, जो हम आपको नोट्स में इसका फिगर भेज देंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हेलोवियल मतलब क्या हो गया, कि साइटोकाइनेसिस में जब दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस तरीके से जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग हेलोवियल कहेंगे, एक बड़ा साइज में और एक छोटा साइज में। दैट मींस कि फर्स्ट टॉपिक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। अब आया हम लोगों का एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन को हम लोग एम्ब्रायोनिक कहते हैं, एम्ब्रायोजेनिक कहते हैं, EMBRYOGENY, एम्ब्रायोजेनिक, EMBRYOGENY, एम्ब्रायोजेनिक। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनिक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनिक। एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रायोजेनिक। अब मामला यह है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनिक। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब भी होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट बोलते हैं। यानी जायगोट में इस तरीके से चेंजिंग आना, इस तरीके से तब्दील आना कि वो अपने अंदर एक फ्यूचर यंग प्लांट को सस्टेन करे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोनी। यानी एम्ब्रियो क्या हुआ, किसी भी प्लांट्स में एम्ब्रियो, वो किसी भी प्लांट्स का एम्ब्रियो वो पार्ट होता है जो अपने अंदर यंग स्मॉल फ्यूचर प्लांट्स को सस्टेन करता है। और एम्ब्रियो पाया कहाँ जाता है, तो किसी भी प्लांट्स में एम्ब्रियो जो है वो सीड्स के अंदर पाया जाता है। समझ गए। अब जब एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो के बारे में बात हो गई तो अब एक सवाल आता है कि चूंकि हम जानते हैं प्लांट्स का नेचर या प्लांट्स जो है वो दो तरह का होता है, एक कहलाता है डाइकॉट प्लांट और एक कहलाता है मोनोकॉट प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट की बात की जाए तो वैसे प्लांट्स जिनके कॉटिलेडंस दो होते हैं, जैसा हम जानते हैं चना के ऊपर का कवर हटाएंगे तो चना के अंदर से दो दाल निकलता है, तो वैसे प्लांट्स जिसमें
दो कॉटिलेडन, दो दाल निकले जैसे चना, आम, मटर, छीमी, इन सबों में से दो निकलता है, इनको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं। भुट्टा, चावल, गेहूं, खजूर, डेट, इन सब के सीड कोट को हटाते हैं, उसके अंदर से एक बीज निकलता है, इससे उनको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। तो जब हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस अलग होती है। डाइकॉट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो मामला आता है, वो एम्ब्रियो जो है वो दो दाल के बीच में पाया जाता है। दैट मीन्स कि हम चने को एनालाइज कर लेते हैं तो चने का जो हिस्सा ऊपर में जुड़ा होता है उसके बीचों बीच एक एक्सिस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। यही एम्ब्रियो एक्सिस जो है वो सीड का, प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, ये कहलाता है कॉटिलेडन। और हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल इसके दो सेक्शन होते हैं। हाइपोकॉटिल कॉटिलेडन और प्लूमूल के बीच के पार्ट को बोलते हैं। प्लूमूल वो हिस्सा होता है जो प्लांट्स के अपर पोर्शन यानी शूट सिस्टम, जमीन के ऊपर के पार्ट का फॉर्मेशन करता है, और एपिकॉटिल वैसा हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच का हिस्सा होता है। रेडिकल वो पार्ट होता है जो जड़ का फॉर्मेशन करता है। तो कह सकते हैं कि डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है वो कॉटिलेडन के बीच में एक एक्सिस होता है जिसको एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। इसी एम्ब्रियो एक्सिस में एम्ब्रियो छुपे होते हैं जो फ्यूचर प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मोनोकॉट में इस तरीके से एम्ब्रियो का अरेंजमेंट होता है कि उसको देखने के लिए उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं मेज या भुट्टा। जब भुट्टा को कट करके देखते हैं तो उसके बीच में ये एक्सेस नजर आती है जो सीड्स के अंदर होता है, और यही एम्ब्रियो कहलाता है। ये एक्सेस एम्ब्रियो एक्सेस होगा और ये फ्यूचर प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट दो टॉपिक जो बचा, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।